तीसरी ऑल इंडिया लाठी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का समापन दुर्ग में हुआ। इस प्रतियोगिता में लगभग 300 प्रतिभागी बच्चों ने हिस्सा लिया और पूरे देश के हर प्रांत से बच्चों ने अपना जौहर दिखाया। ये 3 दिवसीय प्रतियोगिता 2 मई से 4 मई तक आयोजित की गई, जिसमें सर्वाधिक गोल्ड सिल्वर मेडल लेकर छत्तीसगढ़ ओवरऑल चैंपियनशिप बना। ऑल इंडिया लाठी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का 3 दिवसीय प्रतियोगिता का समापन बड़ी ही सादगी से संपन्न हुआ। ये आयोजन 2 मई से 4 मई तक आयोजित किया गया था। समापन के दिन भी सर्वप्रथम आयोजन के मुख्य अतिथि नेतराम जी अग्रवाल एवं आयोजकों की टीम द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। उसके बाद विधि अनुसार सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान यहाँ पर किया गया। प्रतियोगिता में देश के सभी प्रांत से लगभग 300 खिलाड़ियों ने उपस्थित होकर अपना जौहर दिखाया था। फिलहाल इस खेल को किसी भी पटल पर मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। बावजूद इसके इस खेल में प्रतिभागी बने बच्चे ये बता रहे हैं कि खेल कितना लोकप्रिय हो चला है। इस प्रतियोगिता में सभी बच्चे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते नजर आए। समापन के दिन इस खेल में आपसी भिड़ंत देखने को मिली और प्रत्येक द्वंद्व युद्ध में खिलाड़ियों ने ये साबित कर दिखाया कि भारत देश का ये पारंपरिक खेल उनकी रगों में बसा हुआ है। आयोजन के अंतिम दिन सभी वेट कैटेगरी में छत्तीसगढ़ की टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक स्कोर कायम किया और सबसे ज्यादा गोल्ड और सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाते हुए इस प्रतियोगिता का सिरमौर बना। पूजा शर्मा योगी रैंक ऑनर और छत्तीसगढ़ अपने कॉर्नर से आगे बैठ जाए। पूजा शर्मा फ्रॉम यूपी रैंक ऑनर अपने आयोजन के समापन के दिन मंच पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत सम्मान शॉल श्रीफल और मोमेंटो देकर किया गया। उपस्थित अतिथियों ने खिलाड़ियों के द्वंद प्रतियोगिता को देखकर दांतों तले उंगलियां दबा डाली। इस आयोजन की जानकारी ऑल इंडिया लाठी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रतीक अग्रवाल एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश लाठी खेल के अध्यक्ष अरविंद सिंह खुराना एवं महासचिव संदीप ताम्रकार ने जानकारी दी। ये आज का जो ये लाठी स्पोर्ट कंपटीशन 3rd इंडिया चैम्पियनशिप जो यहाँ पे गायत्री पैलेस में हो रही है, ये ठीक है, भले कि आपने बोला कि नेशनल लेवल में नहीं है, पर ये नेशनल लेवल तक पहुँचे, ये हम सरकार तक ये चीज़ें पहुँचें, इसीलिए कंपटीशन और ये चैम्पियनशिप्स हो रही हैं, ताकि सरकार ये देखे कि देखिए यहाँ पे बच्चियाँ और बच्चे इतने सतर्क हो चुके हैं लाठी में कि वह यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। और पहले यहाँ पे मात्र 10 बच्चे आते थे, आज देखिए यहाँ पे 100 से ऊपर के बच्चे यहाँ पे भाग ले रहे हैं। कोशिश यही है कि सरकार तक ये बात पहुँचाने की कि ये कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें आज बच्चे और बच्चियाँ मिलके इसको बहुत शौक से और बहुत शिद्दत से खेल रहे हैं और इसको नेशनल लेवल तक लेके जाने की पूरे प्रयत्न कर रहे हैं। लाठी के लिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रयास बाकी रहेगा। अभी ये लोकसभा चुनाव के बाद हमारी पूरी टीम
हमारी पूरी संस्था की ये कोशिश यही रहेगी कि इसको ऊपर तक एक गुजारिश लेके हम अपने आदरणीय सांसद श्री विजय बघेल जी से ये गुजारिश करके ये स्पोर्ट को नेशनल में ले जाने की पूरा हम आग्रह करेंगे और हमें पूरा यकीन है कि यह स्पोर्ट को आगे ज़रूर लेके जाएंगे। देखिए, ये लाठी स्पोर्ट चैंपियनशिप है, इसमें विभिन्न तरीके से लाठी चलाने का एक प्रतियोगिता रहती है। इसके अलावा लाठी से अपन कैसे खेल के खेलते हुए कैसे बच्चों को मारना सीख सकते हैं, अपने आप को बचाना सीख सकते हैं, उस तरह की सारी कलाएं और विधाएं इसमें सीखी और सिखाई जाती हैं। ये तीसरा लाठी स्पोर्ट चैंपियनशिप यहाँ दुर्ग छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 10 राज्यों से करीब 300 बच्चे आए हैं खेलने के लिए, जो कि यहाँ गायत्री पैलेस में ही रुके हैं पिछले 3 दिनों से। 2 तारीख से अपना हमारा ये आयोजन शुरू हो गया था। 2 तारीख को शाम से बच्चे लोग इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने अपने अपने कार्यक्रम प्रतियोगिताएँ शुरू हुई थी। 3 तारीख को हमारा यहाँ पे ऑफिशियल ओपनिंग सेरेमनी हमने किया, जिसमें गायत्री पैलेस से श्री नेत्राम जी अग्रवाल ने इसका दीप प्रज्वलन किया था। उनके साथ में मनोज अग्रवाल जी थे, हमारे लाठी स्पोर्ट्स दिल्ली की पूरी टीम है यहाँ पे। इसके अलावा जो 10 राज्य जिनकी टीमें यहाँ आई हैं, उसमें दिल्ली, अपना कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, MP, UP, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये टीम, महाराष्ट्र, ये टीमें यहाँ पे आई हैं जिनके बच्चे यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम था, आज 3रा दिन था, लगभग अंतिम चरण चल रहा है कार्यक्रम का। और इस तरह लाठी की बेसिकली ये जो है लाठी की नई नई जो अपनी पारंपरिक खेल है जो कि लुप्त होता जा रहा है, उसका पुनर्जीवन करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का रक्षा के आत्मरक्षा खास तौर से महिलाओं और बुजुर्गों के लिए, जो कि आज के समय में जितनी इस तरह से घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए एक जिसके लिए अपन एक हथियार के लाठी को एक हथियार या औजार के रूप से यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए किसी प्रकार के कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं रहती है और महिला इससे आसानी से अपनी आत्मरक्षा कर सकती है। 3rd ऑल इंडिया लाठी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में जो हमारे सब जूनियर हैं, जूनियर हैं, कैडेट्स हैं, सीनियर हैं एंड मास्टर वर्ग के जो प्रतिभागी हैं वो आए हैं, और करीब 300 प्रतिभागी आए हैं, जिसमें 8 साल से लेकर मास्टर्स के कैटेगरी 30 साल के ऊपर तक के हमारे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, जिसमें से अगर ओवरऑल अभी देखा जाए तो पुडुचेरी और छत्तीसगढ़ के प्लेयर सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें अभी संख्या का अगर हम मूल्यांकन करें तो 25 मेडल, गोल्ड मेडल अभी छत्तीसगढ़ को मिल चुका है, 20 गोल्ड मेडल जो है वो पुडुचेरी को मिला है, और उसके बाद है यूपी, उनको 10 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं, उसके बाद झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, 5 मेडल, 7 मेडल, 8 मेडल, ऐसे सब जगह मेडल्स यहाँ पर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का कैसा प्रदर्शन है? अभी छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन बहुत अच्छा चल रहा है, फर्स्ट अगर बात करें तो रनर अप में फर्स्ट पोजिशन पर अभी हम लीड कर रहे हैं। अभी बहुत सारे इवेंट अभी जो बचे हैं थोड़ी देर के बाद लास्ट हो जाएगा। सर, वैसे बात करें तो 10 अलग अलग राज्यों से यहाँ पर बच्चे प्रतिभागी हुए हैं, जिसमें से बिहार है, महाराष्ट्र है। किस तरह का प्रदर्शन है खास करके छत्तीसगढ़ का? छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा बेहतर रहा, और इस प्रदर्शन के बाद मुझे लग रहा है कि हमने 25 गोल्ड मेडल पदक प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट जो ट्रॉफीज जो है, मैं निश्चित तौर पे ये सभी कमेटी मेंबर और सभी लोगों की तरफ से कि छत्तीसगढ़ फर्स्ट पोजीशन लीड करे और ये ट्रॉफी हम ही विजेता घोषित करें। सर, बहुत सेफ है, क्योंकि हमारे जो यहाँ पर जो सेफ हैं बच्चे लोगों के लिए, हमने हेड के चोट लगने के लिए हमने हेड गार्ड करवाया है, हमने उनको चेस्ट प्रोटेक्टिव चेस्ट गार्ड भी दिए हैं, इवन हैंड्स में हमने ग्लोव्स पैड करवाए हैं, और बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी चीज़ के लिए चोट नहीं लगे। किस तरह के नियम से खेला जाता है और किस तरह की लाठी होती है? लाठी जो रहती है सर, हमारी जो बेत की रहती है, जो बच्चे लोगों का जो कान के हाइट तक हम लोग लाठी लेते हैं, जिसमें जो बच्चे जिस कैटेगरीज में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग में वो लाठी रहेंगे, और लाठी फाइट जो रहेगा जिसके लिए हमारे लेदर्स के सॉफ्ट एक स्टिक रहेगी, उनके थ्रू हम लोग स्ट्राइक करके ओपोनेंट के थ्रू हम लोग फाइट करते हैं। फिलहाल इस आयोजन में छत्तीसगढ़ प्रदेश की टीम ने यह साबित कर दिखाया है कि लाठी खेल में उनका कोई सानी नहीं, और आने वाले समय में जब ये खेल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नजर आने लगेगा, तब छत्तीसगढ़ प्रदेश की टीम इस देश का परचम भी लहराने तैयार खड़ी होगी। ACN न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।